हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्य चाव भारद्वाज, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है होंडा एक्टिवा 125 पे। पहले आपको मैं इसका पूरा ओवरलुक दिखा देता हूँ। स्कूटी का फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी मिल जाती है स्कूटी की हमें। मैं चेकआउट साइड से कुछ ऐसी दिखती है स्कूटी, और रेयर प्रोफाइल स्कूटी की हमें ऐसी मिल जाती है। स्कूटी के फ्रंट से बात करूँ तो सामने हमें ब्लैक वाइजर मिल जाता है विद LED हेडलैम्प, और DRLs इसके हमें यहाँ मिल जाते हैं राइट हेयर इंडिकेटर्स इधर, ये हेलोजन ही है। और आगे जो इसका मड फ्लैप है ये हमें बॉडी क्लैरिटी मिल जाता है विद रिफ्लेक्टर राइट है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें फ्रंट पे मिलते हैं, और फ्रंट टायर इसका 90x90/12 साइज में मिल जाता है, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है हमें इसमें। रियर व्यू मिरर ऊपर मिल जाते हैं हमें इसके, जो कि ब्लैकिश टोन में है। स्कूटी के साइड से बात करूं तो यहाँ पर हमें एक्टिवा 125 की बैरिंग मिल जाती है ऑन क्रोम प्लेट, और आगे हमें यहाँ एक हुक मिल जाता है सामान वगैरह टांगने के लिए, और ऐसा ही एक छोटा हुक यहाँ पर मिल जाता है हमें। यू मस्ट चेक इट आउट। फ्रंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें इसकी तो डिजिटल विद एनालॉग मिल जाता है हमें। 74 किलोमीटर्स तक के मार्किंग दिखा रहा है, इतनी स्कूटी चली है अभी, ये ट्रिप दिखाता है, 40 एवरेज दिखा रहा है अभी ये। मैं चेक आउट 52 रेंज कितना पेट्रोल है उसके हिसाब से। यहाँ पर हमें पास स्विच मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स हैं मिल जाते हैं हमें, और हॉर्न कुछ ऐसा मिल जाता है, और इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है हमें। अच्छा रबर यूज़ करा गया है इसमें, और ऐसा है कुछ इसका रिव्यू मिरर। और यहाँ मिल जाता है इंजन किल स्विच, और इसमें नीचे हमें यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। इसकी की बात करूँ तो इसमें हमें फ्यूल लिड ओपनर एज वेल एज सीट ओपनर मिल जाता है, और एक स्टोरेज स्पेस हमें यहाँ मिल जाता है इसमें, जहाँ अपना फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा दे रखा है यहाँ पे, यू चेक इट आउट। ऐसा कुछ लुक मिल जाता है फ्रंट में। अगर फ्यूल लिड ओपन करनी हो तो उसके लिए स्विच हमें यहाँ पर भी दे रखा है, यू मस्ट चेक इट। यहाँ से खुल जाता है, 5.3 लीटर के इसमें टैंक मिल जाता है, और अगर सीट ओपन करनी हो तो उसको भी यहीं से प्रेस करके यू कैन ईजी एक्सेस द अनरोड स्पेस। कुछ ऐसा हमें स्पेस मिल जाता है विद फर्स्ट एड किट राइट है। स्कूटी के इंजन स्पेक्स की बात करूँ तो 125 सीसी का इसमें इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 8.3 PS ऑफ पावर एट 10.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, यू मस्ट चेक दैट आउट। और रियर प्रोफाइल में हमें जो बैक लाइट मिलती है इसकी टेल लाइट पूरी LED मिलती है, बस ये हेलोजन मिलते हैं जो टर्न इंडिकेटर्स हैं। पीछे हमें ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, और जो इसका इंजन है वो फैन कूल्ड इंजन है, यू मस्ट चेक आउट। यहाँ फैन दे रखा है इसमें, और यहाँ हमें लेग रेस्ट मिल जाता है जो भी क्रोमिश एसेंस में है, और ये पीछे ग्रैब हैंडल रेयर पैसेंजर को पकड़ने के लिए। जो कंपनी क्लेम करती है अराउंड 60 km की माइलेज, ये आपको इजीली लोकल में 53-55 के अराउंड दे देगी। ऑन हाईवे 66 तक इसकी एवरेज पहुंच जाती है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट है इतने बड़े इंजन के साथ। लेट मी शो यू द वेलकम MID ऑफ द स्कूटी। जैसे आप ऑन करते हैं इग्निशन, वो जैसे हमारे मिलती है यहाँ पे ईको की वो मिल जाती है बैजिंग, और राइट हेयर हमें इंजन मोबिलाइजर इधर एक बार फिर दिखाता हूँ आपको मैं, और इधर मिलता है हमें ऑटो ऑन ऑफ स्विच I3S, मतलब कि लाइक जैसे आप अपनी स्कूटी किसी सिग्नल वगैरह पर खड़े कर देते हैं तो लाइक ऑटोमेटिकली इसका इंजन बंद हो जाएगा, और हल्की सी रेस देते ही इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। तो ये होता है I3S टेक्नोलॉजी, जो होंडा अपनी मोस्ट ऑफ स्कूटीज़ में दे ही रहा है। जो हमें इसमें सेफ्टी फीचर मिल जाता है वो इसका साइड स्टैंड इंडिकेटर, जब तक ये साइड स्टैंड इंडिकेटर ऑन है स्कूटी ऑन नहीं होगी, यू मस्ट चेक इट आउट। तो लाइक जैसे ही इसको हम हटा देंगे तो ये आइकन भी हट जाता है, तो ये सेफ्टी फीचर उसमें अच्छा लगा। आइडल स्कूटी का एक बार साउंड सुना देता हूँ आपको मैं, एकदम साइलेंटली स्कूटी ऑन हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता, यू मस्ट चेक आउट।
तो ऐसा सब था स्कूटी का स्पेसिफिकेशंस। होप करता आप सबको क्लियर आउट हो गए होंगे। जो हमारे सामने है ये है रेड मेटेलिक कलर। स्कूटी का ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 87,500 के में ऑन रोड पड़ी है स्कूटी। तो ऐसा था इसका रिव्यू, होप करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।